देश भर में लव जिहाद को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के एक पुराने भाषण 2009 के भाषण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। YouTube पर वो भाषण अपलोड है जिसमें गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ विवादास्पद बयान दे रहे हैं। ये आपको वीडियो आपको बता दें 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार का है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत यादव के लिए वोट मांगने गए थे। सुनिए अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। हम लोगों ने परंपरा को स्वीकार किया, किसी कालखंड में कोई बना होगा अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। कोई जाति भी नहीं बना रहे हैं, हम लोग स्वीकार करेंगे। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वह एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। ये 2009 का वीडियो है, हम आपको बता दें लोकसभा चुनाव के दौरान कैंपेन के दौरान का ये वीडियो है। रमाकांत यादव के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने पूरे बयान पर सफाई देने से इनकार करते हुए कहा है कि बिना फोरेंसिक जांच के विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। सफाई देना चाहेंगे सर? नहीं, मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। लेकिन सर, जो शब्द आपके निकले हैं उसको लेकर थोड़ा ऑब्जेक्शन करना है। ठीक, मैंने कहा ना, इसलिए मैंने कहा कि उसका फोरेंसिक जांच के बगैर अगर आप कोई वीडियो दिखाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। योगी आदित्यनाथ के विवादास्पद वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण का पूरा षड्यंत्र और उसके ऊपर ये जो बयान आया है कि जो एक समुदाय के लोग हैं उनको जबरदस्ती दूसरे समुदाय की लड़कियों के साथ शादी करनी चाहिए, ये सीधा सीधा संविधान का और कानून का उल्लंघन है। और ये एक ही बात प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि किस तरह से अक्सरियत को और अखिलियत को इस मुल्क में लड़ाया जाए।